कहते हैं कि हर पुराने रिश्ते का अंत एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। सोनिया और मेरा 5 साल का रिश्ता एक दिन आखिर खत्म हो गया। एक हफ्ता पहले नौकरी भी छोड़ दी थी, अब न बॉस था न गर्लफ्रेंड, मैं आजाद था और पहुंचा अपने दोस्त के खाली अपार्टमेंट वर्सोवा। साहब छुट्टा नहीं है साहब। कोई बात नहीं यार। थैंक यू सर। रख ले। तब पहली बार उसकी आवाज सुनी और फिर किसी हिंदी फिल्म के सीन की तरह सब कुछ स्लो मोशन में बदल गया। क्या आप 1801 में शिफ्ट हो रहे थे? आप अंतर्यामी हैं? नहीं, एक्चुअली हर फ्लोर पर 2 फ्लैट्स हैं और मैं 1802 में रहती हूँ इसलिए। Well, that makes us neighbors, right? Yeah. साहिल। See ya. Nice meeting you. Same here. You want any help? No, I'll manage. Thanks. आपके लिए कॉफी। मेरे लिए? I knew this, thanks. मैंने सोचा आपका किचन सेटअप नहीं हुआ होगा तो। आया? नहीं, it's okay. Thanks. जी, ये उधार रहा। कप लौटा दीजिएगा। जरूर। गुजार ले लीजिए। ओह हाय। अगर चॉइस मुश्किल है तो गुजार बेहतर होंगे। एक्चुअली मेरी मुश्किल कुछ और है। यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेशंस है। हम नेक्स्ट वीक तक ओरिजिनल आ जाएंगे। वी विल गिव अ कॉल। ओके, थैंक्स। आपका एक उधार है मुझ पे। ओरिजिनल पोएट्री पढ़ने के अलावा और क्या करती हैं? इंटरनेशनल कॉल्स। कॉल सेंटर। आज की जनरेशन का करंट हॉटस्पॉट। और आप? मैं एक बेकार बैंकर और एक स्ट्रगलिंग राइटर। स्ट्रगलिंग? 8 साल बैंकिंग की, दिन भर बैंक में अकाउंटिंग करने के बाद मुश्किल से एक आध आर्टिकल्स लिख लेता था, लेकिन जो मजा जो सुकून उन 3-4 आर्टिकल्स में मिलता था वो दिन भर की नौकरी में नहीं। सो वन डे आई जस्ट गिव इट ऑल अप। खुद को 3 साल दिए हैं, 3 साल में मुझे किताब लिखनी है और अपने आप को एक एस्टैब्लिश राइटर बनाना है। और अगर ये 3 साल में नहीं हुआ तो बैक टू बैंकिंग, ओनली 8 इयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम फ्रॉम मसूरी। मेरी मॉम और मेरा भाई सोनू अभी वहाँ रहते हैं। माय डैड वाज माउंटेनियर। कॉलेज खत्म होते ही मैं मुंबई आ गई, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ओह, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम उस लम्हे को जी चुकी हो जिसके बाद जिंदगी का हर लम्हा उसे छोटा लगता है, जो बची हुई जिंदगी को बेमाना सा कर देता है। आई मीन जिंदगी का एक हाई पॉइंट जिसके बाद बाकी की जिंदगी जी नहीं जाती, गुजारी जाती है। अगर ऐसा होता तो फिर उम्मीद जैसी कोई चीज ही नहीं होती। देयर इज नो होप, देयर इज नो लाइफ। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। सी दैट। Don't be ridiculous, Sahil. अभी अभी तुम सोनिया के रिश्ते से बाहर आए हो। Give yourself a little time, dude. Don't be a relationship junkie. Okay? Chill, bro. Chill. मैंने कब कहा कि मैं उसे, I never said I'm in love with her. मुझे प्यार हो गया उससे. Listen, she's nice. सोनिया के बारे में भी तुमने यही कहा था. याद है? दारू पिए। चीयर्स। Thank you.
to. No, please, 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 Sahil. Listen to me now. You have to listen to me. मैं तुमसे कभी नहीं मिलने वाली हूँ इसके बाद. I'm never gonna see you again. हाथ हटाओ. हाथ हटाओ. Tequilas आ गई हैं. Yes, tequilas. चल चल. Hey, sorry, what's wrong with you? No, no, no. Pick up your drink, man. लेकिन यार वैसे भी जगह बंद होने वाली है. Last drinks हैं. Go. क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं नहीं, पागल हो गया निकल गए वो दीवाने बन के मचल गए. कभी हमने की तेरी कभी हमने की तेरी यारी बता भी दे क्या बुरा किया. भुला दिया तेरे इश्क में खुद को भुला दिया इश्क में खुद को भुला दिया. कभी आयतों में पढ़ा तुझे कभी हर्फ हर्फ लिखा तुझे कभी दिल से तुझको पुकारा. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. क्या बात करना है? मैंने तो सोचा था कि तुम नॉर्मल रिस्पेक्टेबल लड़की हो. एंड देन आई सी यू इन अ बार. सारे बार डांसर के साथ नाचते हुए प्राइवेट पार्टीज में भी नाचती होगी तुम. साल तुमने बहुत पी रखी है. कल सुबह बात करेंगे. नहीं नहीं, अभी बात करेंगे. बात अभी करेंगे. कितने लोग छू चुके हैं तुम? कितने लोग छू चुके हैं? तुम के साथ सो चुकी. क्या कर रहा हूं? वही जो बाकी लोग करते हैं. The last I saw of her. अगली दोपहर जब मैं नींद से जागा तब तक सिया जा चुकी थी. उस रात वो बार बार कुछ कहना चाह रही थी. वो कहना चाह रही थी कि उसको एड्स है. 2 साल पहले सिया की मौत हो गई. अब किसी भी दिन मैं भी